नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है उसकी जो भी फोटोज़ वगैरह रहती है, मान लीजिए कोई भी अगर आप फोटो एडिट करते हो या फिर अपलोड करते हो, जो भी आपने फोटो खींची उसको अपलोड किया या फिर फिल्टर वगैरह लगाए, तो उसको जब अपलोड करते हो तो वो फोटो आपके जो गैलरी है वहाँ पर अगर वो सेव नहीं हो रही है तो आप उसको कैसे सेव कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना स्नैपचैट ऐप ओपन कर लेते हैं। स्नैपचैट ओपन करने के बाद यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से मेरा स्नैपचैट ऐप ओपन हो चुका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैं अगर कोई फोटो खींचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये फोटो खींचता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं कुछ भी इसमें एडिटिंग वगैरह करता हूँ, नाम वगैरह लिखता हूँ या कुछ भी करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इस फोटो को मान लीजिए मुझे अगर सेव करना था, ठीक है, यहाँ पर कुछ इमोजी वगैरह भी मैं ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं कुछ भी इसके अंदर अगर करता हूँ तो उसके बाद अगर इसको मुझे सेव करना तो मैं कैसे सेव करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि आपने इसको कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपने सेव वाले के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे आप सेव वाले के ऊपर क्लिक कर देते हो, सेव करने के बाद अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है कि सेव हो चुका है फोटो, लेकिन अभी हम गैलरी के अंदर अपने जाते हैं और यहाँ पर अभी हम देखते हैं ये फोटो सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम गैलरी के अंदर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरा फोटो कहीं पर भी अभी शो नहीं कर रहा है, और अभी आप देखोगे यहीं पर मेरा कहीं ना कहीं अभी फोटो शो करेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेव वाला जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया था उसके बाद अभी ये सेव नहीं हुआ है, तब अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक बार बैक आ जाना है। बैक आओगे यहाँ से, इसको कट कर दो। कट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी आपको सेटिंग पे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर ये प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर आना है नीचे की तरफ, और यहाँ पर भी आपको मैं बताता हूँ, ये ऊपर सेटिंग का आइकन मिल जाता है यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये फिर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। उसके बाद फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, और उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मेमोरीज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो मेमोरीज लिखा हुआ है यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है सेव बटन, और उसके बाद यहाँ पर ऑटो सेव माई स्टोरी स्नैप। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बैकअप अगर लेना है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बैकअप के लिए ये दूसरा सिस्टम है, लेकिन अगर आप जो सेव कर रहे हो फोटो वगैरह तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं कि आप मेमोरीज में सेव करना चाहते हो, मेमोरीज कैमरा रोल या फिर कैमरा रोल ओनली, यानी कि जब आप वहां पर फोटो को अगर सेव के ऊपर क्लिक करते हो तो वो फोटो आपके फोन के अंदर अगर सेव होना चाहिए तो आपको कैमरा रोल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कैमरा रोल के ऊपर क्लिक कर देते हो, उसके बाद अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर बैक आ जाना है आपको यहाँ से, और एक मैं दूसरा फोटो यहाँ से खींचता हूँ, और जैसे अभी ये कि मैंने फोटो खींचा, उसके बाद यहाँ पर फिर से इसमें मैं कुछ भी इस तरीके से कर देता हूँ मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको सेव करना है, यहाँ पर सेव वाले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने सेव के ऊपर क्लिक किया तो अभी ये हमारी फोटो गैलरी के अंदर शो होनी चाहिए, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं शो हो रही है, और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर ये फोटो आज के रिसेंट वाले के अंदर ये देख सकते हो, ये फोटो हमारी इसके अंदर सेव हो गई है गैलरी के अंदर, जो कि पहले नहीं सेव हो रही थी। तो इस तरीके से आप स्नैपचैट की कोई भी फोटो अपनी गैलरी के अंदर लेके जा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।